दोस्तों यह बायोग्राफी एक ऐसे इंसान की है जिसने ऐसे भारत में जन्म लिया जहां समाज के उच्च वर्ग के लोग गरीब और दलित पर भीषण अत्याचार और शोषण कर रहे थे, लेकिन समाज की इस घृणा, अपमान और तिरस्कार के बावजूद उन्होंने ऐसी शिक्षा हासिल की जिसकी बदौलत वो भारत के संविधान के निर्माता बन गए। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई मुबारकर था। भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। इनके पिता रामजी ब्रिटिश सेना में मऊ छावनी में एक सैनिक थे। इनका परिवार महार जाति से था, जिसे लोग बेहद ही निचली तबके का मानते थे। छुआछूत, घृणा और अपनी हीन मानसिकता की वजह से डॉक्टर्स भी अछूतों को बिना छुए ही उनका इलाज करते थे, जिसके कारण अंबेडकर के 14 भाई बहनों में से केवल 3 भाई और 2 बहनें ही बच पाई। बाकी सभी 8 भाई बहन शोषण के कारण मारे गए। अछूत होने के कारण भीमराव को स्कूल में दाखिला मिल पाना भी मुश्किल था। फिर इनके पिता के निवेदन पर एक ब्रिटिश अधिकारी ने भीमराव अंबेडकर का दाखिला स्कूल में करवा दिया, लेकिन दलित बच्चों को क्लास के बाहर बैठाया जाता था और टीचर्स उन पर कोई ध्यान नहीं देते थे। यह सब देखकर भीमराव के स्वाभिमान को बहुत गहरी ठेस पहुंची। अप्रैल 1906 में जब भीमराव 15 वर्ष के थे, तब उनका विवाह 9 वर्ष की लड़की रमाबाई से हुआ। भीमराव के पिता ने कर्ज लेकर भीमराव को बॉम्बे के एल्फिनस्टोन हाई स्कूल भेजा, जहां 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की। फेलोशिप की मदद से भीमराव लंदन और कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 वर्षों में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने समता, समानता, बंधुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के कठिन परिश्रम से तैयार कर 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपकर देश के समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और